हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मड़िया की देवधरा पर गूंजे मां सुंधा के जयकारे, ढोल धमाकों के साथ निकाली कलश यात्रा। श्री सुंधा माता मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं भवन उद्घाटन समारोह शुरू। ढोल धमाकों की धुन, महिलाओं के मंगल गीत, रथ में विराजमान देवी देवता, ढोल की धुन पर थिरकते श्रद्धालु, जयकारों के बीच उड़ता गुलाल, कुछ ऐसा ही नजारा शनिवार को सिरोही जिले के मड़िया गांव की देव धरा पर देखने को मिला। मारू प्रजापति समस्त पराड़िया परिवार मड़िया की ओर से आयोजित श्री सुंधा माता मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं भवन उद्घाटन समारोह के प्रथम दिन विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए। आयोजक कमेटी के अध्यक्ष शंकरलाल रामाराम ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। महोत्सव के प्रथम दिन सुबह ढोल धमाकों के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होकर पुनः मणशदर परिसर पहुंची, जिसमें महिला श्रद्धालुओं समेत अन्य श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसके बाद में शाम को भामाशाहों को सम्मान किया गया। वही भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विक्रम चौहान एंड पार्टी की ओर से एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं भजन संध्या में हास्य कलाकार मंगल जादूगर व पिंटू जालौरी ने भी अपनी कला की प्रस्तुति दी गई। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को सफल बनाने के लिए आयोजक कमेटी सवाराम, कमलेश भाई, भूरा राम, मोड़ा राम, हीदा राम, मंचा राम, लकमा राम, भावा राम, भीका राम, शंकर लाल, रमेश भाई, गणेश भाई, जयेश भाई, फूला राम, रमेश भाई, वरदा राम, हितेश कुमार, तेजा राम, रावता राम, रवि कुमार, दर्जा राम, खूमा राम, रत्ना राम, ताला राम समेत मारू प्रजापति समेत पराड़िया परिवार मड़िया के समाज बंधु सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम का मन संचालक तिलोक राम कर रहे हैं। आज होंगे ये कार्यक्रम। महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को सुबह स्थापित देवी देवताओं की पूजन, मंदिर वास्तु होम, आठ दिशा होम, महाअभिषेक, सायंकालीन आरती समेत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। इसके बाद शाम को रामेश्वर मालियन पार्टी की ओर से भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं झांकी कलाकार सरदार सिंह राज पुरोहित एंड पार्टी की ओर से प्रस्तुति दी जाएगी। जागरूक टीवी के नागाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।